Hello everyone, myself Pankaj and today I am going to take class of physics. ये topic tet और secret दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे हम पढ़ के आज समाप्त करेंगे, तो ध्यान से इसको समझिए और पढ़िए, जहां कहीं असुविधा होगी वहां पूछते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ऊष्मा क्या है, हीट क्या है, फिर इसके अलग अलग डायमेंशंस यानी अलग अलग आयामों की बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले ऊष्मा से पहले ये अंदर हो कि एक शब्द होता है ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी। ऊर्जा को अगर परिभाषित करें तो इसको ऐसे समझते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ये अलग अलग रूपों में होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि ऊर्जा है, ऐसे ही अगर टेम्परेचर है वो होता है उष्मीय ऊर्जा के कारण, है ना, मैकेनिकल ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, दुनिया भर की ऊर्जाएं होती हैं। तो ऐसे ही ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ऊर्जा का संचरण होता है यानी प्रोपेगेशन होता है, एक स्थान से ऊर्जा दूसरे स्थानों पर चलती है। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ऊष्मा किस रूप में चलती है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है भी और इसको जानते भी हैं। तो ऊष्मा के संचरण के लिए तीन विधियां होती हैं, तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है ऊष्मा के चलने के लिए, उसको हम कहते हैं कंडक्शन, और हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, चालन, इसे चालन कहा जाता है। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन। और जो तीसरा मेथड है इसको हम कहते हैं विकिरण, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऊष्मा का संचरण कितने विधियों से होता है तो आप क्या बताएंगे, तीन विधियों से, तीन अलग अलग मेथड से होता है। अब ये तीनों विधियां अलग अलग जगहों पर काम करती हैं, जरूरी नहीं कि एक पदार्थ में तीनों तरीके से जो है आपको ऊष्मा का संचरण देखने को मिले। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और ये लोहा है, ठीक है, तो ठोस पदार्थ है, तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं यानी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो ऊष्मा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, चालन। कई बार ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि ठोस पदार्थों में किस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, तो आप क्या बताओगे, चालन विधि से। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी चर्चा करेंगे। दूसरा है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, तो जो द्रव पदार्थ होते हैं या गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, संवहन विधि से। और सबसे लास्ट में आता है विकिरण, तो विकिरण के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है, मतलब एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य के अंदर अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की इस क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में भी पृथ्वी तक पहुंचती है। किस विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम डज नॉट रिक्वायर। तो इस विधि को हम समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा कौन सी विधि है जो सबसे तेज होती है, तो आप जानते हैं कि सबसे तेज प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, तो सबसे तेज विधि कौन सी होगी, विकिरण होगी। अब देखते हैं हम पहले कंडक्शन के बारे में, ठीक है, चालन कैसे होता है, फिर इसके अलग अलग बातें करेंगे। तो अभी थोड़ी पहले हमें आपको बता रहे हैं चालन हमेशा किस पदार्थ में होता है, कैसे पदार्थ में, ठोस पदार्थ में। अब इस ठोस पदार्थ के लिए मान लीजिए हम कोई आयरन की रॉड लेते हैं, लोहे की मान लीजिए कोई रॉड है, ये कैसे है, ठोस है। और इसमें अगर हम इसके इस पॉइंट को गर्म करें, इस सिरे को हम गर्म करें, तो गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं क्या है कि पहले यहाँ के अणु ऊष्मा पाकर गर्म हो जाते हैं, तापमान इनका बढ़ जाता है, और यही ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में, दूसरे अणु से तीसरे अणु में, और फिर ऐसे करके पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, जो अणु पदार्थ का यहाँ पर है, वो अपने ही स्थान पर रहता है, मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। और ये जो दूसरा अणु है ये भी अपने ही स्थान पर रहता है, तीसरा भी अपने ही स्थान पर रहता है, चौथा भी, और पदार्थ के सभी अणु अपने स्थान पर रहते हैं,
लेकिन अपने बगल वाले अणु को ऊष्मा ट्रांसफर करते हैं, ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पदार्थ या पूरा का पूरा ये आयरन रॉड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि इस चालन की क्या विशेषता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंडक्शन, तो पहली बात तो ये कि ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल डू नॉट चेंज देयर पोजिशन इन द मेथड ऑफ कंडक्शन, पहली बात होगी। दूसरी बात कि चालन विधि सदैव ठोस पदार्थों में कार्य करती है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट वर्क्स ओनली इन सॉलिड मटेरियल, ठीक है। अब बात आती है कन्वेक्शन की, यानी कि संवहन की। तो जब कन्वेक्शन को पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था कि संवहन विधि से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो ठोस पदार्थों में और सॉरी द्रव पदार्थों में और गैसीय पदार्थों में होता है। इसको समझने के लिए भी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी द्रव को आप गर्म कर रहे हैं, ये अगर कोई बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या भर रखा है, जल पानी भर रखा है। अब इसको अगर आप गर्म करेंगे तो आप गर्म करने पर क्या देखेंगे कि यहां का अणु जब ऊष्मा प्राप्त करेगा तो ये ऊपर की तरफ चलाएगा, ये अणु भी ऊष्मा प्राप्त करेगा तो ऊपर की तरफ चलाएगा, ये अणु भी ऊष्मा प्राप्त करेगा तो ऊपर चलाएगा, ये अणु भी ऊपर चलाएगा, और इसका स्थान ऐसे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे जो ऊपर के कम तापमान वाले या कम ऊष्मा वाले मॉलिक्यूल्स। यानी यहां में देखने को क्या मिल रहा है, आपने अगर बर्तन में पानी गर्म किया होगा तो देखा होगा कि उसमें इस तरह की करेंट्स बनती है, धाराएं बनती है, जिनको हम संवहन धाराएं कहते हैं या कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये हो गई, यहां पर हमने देखा कि पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके अपने स्थान पर ही नहीं रहते बल्कि क्या करते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम संवहन की बात कर रहे थे, कंडक्शन की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं है, पदार्थ के अणु ऊष्मा प्राप्त करके अपना स्थान बदल देते हैं, उनका स्थान ऐसे अणु ले लेते हैं जिनके पास ऊष्मा नहीं है। तो ये इनकी विशेषता होगी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि संवहन की क्या विशेषता है तो आपको होगी कि मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजिशन आफ्टर गेनिंग द हीट, ठीक है। पदार्थ के अणु ऊष्मा प्राप्त करने के बाद अपना स्थान बदल देते हैं। दूसरी बात, यह विधि केवल ठोस और सॉरी द्रव और गैसीय पदार्थों में कार्य करती है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आयरन की कोई रॉड है, आपने उसको गर्म किया और ये आयरन की रॉड टेढ़ी होकर वहां तक पहुंच जाए या वहां के अड़ू यहां जाए, ऐसा नहीं देखते। लेकिन पानी में ऐसा होता है कि ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करके या ऊष्मा प्राप्त करके अड़ू अपना स्थान बदल करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये विधि होगी। अब सबसे लास्ट में आता है रेडिएशन, ठीक है, यानी कि विकिरण। तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ऑलमोस्ट 8 मिनट लगता है। और 8 मिनट के समय में हम देखते क्या है कि सूर्य से जो ऊष्मा मुक्त होती है वो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमें पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ये जो हीट आ रही है ये अर्थ तक आ रही है। अब यहां भी क्या है, हीट है यानी ऊष्मा है, साथ साथ और क्या है, लाइट है, यानी आप कह सकते हैं एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ये जो ऊष्मा और प्रकाश है जो आपको देखने को यहां मिल रहा है, ये जिस विधि से पृथ्वी तक पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यहां पर कोई माध्यम हो ये जरूरी नहीं है, अगर रास्ते में वायुमंडलीय गैसें हैं तब भी प्रकाश आता है पृथ्वी तक, नहीं होती है तब भी आता है पृथ्वी तक। तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये मेथड रेडिएशन मेथड कहलाता है या विकिरण विधि कहलाता है। तो ऊष्मा चालन की कुल 3 विधियां हैं जिनके बारे में आपने देखा, समझा और जाना, ठीक है। इनको अच्छे से समझिएगा और समझ करके अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनको एक बार देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊष्मा में और भी कई चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा धारिता क्या है, ठीक है, यानी हीट कैपेसिटी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है ना, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है ना, हिमांक क्या होता है, इससे संबंधित चीजें
तो वो सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास बस आपको ये समझाने में खत्म हो गई कि हाँ ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है, धन्यवाद।